तो महाभारत सर आपको जब ऑफर हुई थी तो उसमें अर्जुन का रोल आपको दिया गया था। हाँ, हाँ, तो मोच की वजह से आपने वो रोल ठुकरा दिया। वो ऐसा था कि जब मैंने अपना ऑडिशन दिया जी, तो राही मासूम रजा उस जमाने में वो डायलॉग राइटर थे, वो भृंग तुपकरी साहब और पंडित नरेंद्र शर्मा जी, इन सब का पैनल था बहुत बड़ा। इन सबको लगा कि मैं अर्जुन बहुत अच्छा लगूंगा, तो इन्होंने कहा साहब आप अर्जुन बन जाइए। हाथ मिलाया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, सब तारीफें हो गई, सब हो गया। दो तीन महीने में अर्जुन बन के घूमता रहा बम्बई में। तीसरे महीने चोपड़ा साहब ने मुझे दफ्तर में बुलाया और कहा कि बरखुरदार बात यह है कि तुम्हें ब्रह्मनल्ला का रोल करना होगा तो उसमें मूंछ काटनी होगी। तो मैंने कहा सर ये नहीं कर सकता मैं। तो कहने लगे क्यों? मैंने कहा सर मेरा फेस का बैलेंस ऐसा है कि अगर मैंने मूंछ निकाल दी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो कहने लगे तुम एक्टर हो क्या हो, एक मूंछ के चक्कर में इतना बड़ा रोल, मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा है। मैंने नहीं सर मैं मूंछ नहीं काटूंगा। तो बहुत डिसअपॉइंट हुए वो, और जबकि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी मेरी तरफ से, ये एज एन एक्टर क्या मूंछ क्या चीज़ है जी। लेकिन उस वक्त मुझे वही समझ में आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि वो दरवाज़ा है वहाँ से निकलो और निकल जाओ और यहाँ आना नहीं फिर कभी। मुझे निकाल दिया ऑफिस से। मैं जैसे ही बाहर गया सब मुझे मिले, कहने लगे कर क्या रहे हो भाई, एक मूंछ की तो बात है, 15-20 दिन का वो पोर्शन है, करके फिर मूंछ आ जाएगी तुम्हारी। मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा। 6 महीने तक निकाल दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया गया, मैं घूमता रहा, फिर डबिंग करता रहा। अब ये होता है डेस्टिनी, जिसको मैंने कहा कि चोपड़ा साहब का फिर फोन आया, आओ दफ्तर आओ, करण का रोल करोगे। मैंने कहा सर मूंछ तो नहीं काटनी होगी। नहीं करेंगे सर, ज़रूर करेंगे। तो वो डेस्टिनी थी कि मुझे करण का रोल मिलना था। और हिस्ट्री है आज तक, देखिए इतना मतलब प्यार दिया लोगों ने कि जो बच्चों की स्कूल की किताब है जिसमें करण का चैप्टर है, तो मेरे फेस को दिखाया जाता है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। लोकप्रियता की श्रेणी में उस वक्त आप सबसे आगे थे। यस यस, एक जब महाभारत आई थी तो मुझे अभी भी याद है, पॉपुलैरिटी पोल हुआ करता था उस जमाने में, तो उसमें राजीव गांधी, अमिताभ बच्चन तीसरा नाम मेरा हुआ करता था। पूरे गांव में, हिंदुस्तान के किसी कोने में मैं चले जाऊं तो लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। वो वक्त भी देखा है, बहुत बढ़िया। तो उस दौर के कैसे देखते हैं सर, जैसे पहले रामायण आई घर घर में, वो टीवी पर उसे देखा गया, एकदम बेकाबू रहते थे, हर संडे का लोग देखिए। ऐसा है कि ये जो दो ग्रंथ हैं बेसिकली, रामायण और महाभारत, ये हमारे कल्चरल हेरिटेज की जो है ना, बिल्कुल नींव है, बिल्कुल इस पे पूरा बेस है ये, आप इस देश की बात करें तो ये बहुत ज़रूरी था कि ये सामने आए। फिल्में बनती थी पहले, लेकिन जो सागर साहब ने रामायण बनाई और चोपड़ा साहब ने महाभारत बनाई, ये बहुत बहुत इसमें काबिल लोग हो करके कंटेंट इतना बढ़िया हुआ कि 40 साल बाद भी लोग याद करते हैं। कई लोगों को मेरा असली नाम नहीं पता होगा, लेकिन वो ये ज़रूर कह देंगे ये करण है जी। तो ये इम्पैक्ट आज की डेट में नहीं है, क्योंकि ये कंटेंट जो है ये मिलना मुश्किल है। और मैं यही कहूँगा कि हमारा जो हेरिटेज है, हमारी जो कल्चर है, हमारा जो इतिहास है, इसमें इतनी कमाल कमाल की कहानियाँ हैं, आज भी अगर हम निकाल करके उनको उनके ऊपर बेस करके बनाएं तो इट कैन बी वर्ल्ड क्लास। लेकिन हम अजीब से इसको शोज बना रहे हैं आजकल, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैं खैर कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक माहौल ही अजीब है जी। टीवी का तो माहौल बहुत ही ख़राब हो गया। OTT आया था, सोचा था कि अच्छा होगा कुछ, लेकिन वो भी फिर एक ही किस्म के हो गए हैं, गाली गलोच, कुछ अजीब से सीन, वो ज़रूरी नहीं होते हैं। लेकिन तो फिर करण का जो सर किरदार है, जब आपको ऑफर हुआ था या जब आप प्ले कर रहे थे तो आपको उतनी जानकारी थी करण के बारे में, या फिर बाद में आपको पढ़ने पर पता चला कि नहीं, हाँ नहीं। ये करेक्टर करण का जो है वो सबसे पावरफुल है? नहीं मेरे पास कोई जानकारी, माइंड जैसा है ऐसा कुछ मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी। मैं बम्बई का लड़का था, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट था, मुझे तो संस्कृत का एक शब्द नहीं आता था। तो जब पहली बार डायलॉग दिए गए तो मेरे तो पसीने छूट गए, तो मैं राही साहब के पास गया। राही साहब क्या करें, उन्होंने कहा बेटा एक काम करो, नवभारत टाइम्स हिंदी पेपर आता है, ये बुलाओ, जोर जोर से घर पे पढ़ो ताकि तुम्हारी लफाजी खुले, प्रैक्टिस हो, हाँ प्रैक्टिस हो वर्ड्स की।
तो वो मैंने शुरू किया। और दूसरा ये है कि कुछ किताबें थीं, जैसे कि रश्मि रथी थी और एक थी मृत्युंजय शिवाजी सावंत की, उन्होंने कहा ये पढ़ो, वो पढ़ी मैंने। तो उसमें से जो चीज़ें निकली, उसके बाद मैंने ये सोचा कि देखो अब इसको पेंट करना मेरा काम, कैरेक्टर को जी, वो कैसे चलेगा, वो कैसे खड़ा होगा, कैसे बैठेगा लोगों के बीच में, उसका तरीका क्या होगा बात करने का। तो हमारे पास वो क्या कहते हैं एब्स एब्स तो थे नहीं, नहीं। क्योंकि उस ज़माने में ये ऐसे जिम भी नहीं थे, हमारे पहलवानों के अखाड़े होते थे जहाँ जाते थे हम लोग। तो उसमें क्या है कि दो तीन चीज़ें शायद आप लोगों ने नहीं नोटिस की होंगी, लेकिन आपको आज मैं बताऊं कि अगर आप महाभारत देखें तो मैंने अपनी पलकें ना झपकाई नहीं बिल्कुल भी, जब भी मैंने कर्ण का रोल किया है। क्योंकि उसका एक रीज़न ये था कि कर्ण जो था सूत पुत्र था, यानी कि वो नीच जात का। अब वो जब राजे महाराजाओं के बीच में बैठता तो कॉन्शियस होगा बहुत, कॉन्शियस होगा तो वो आंखें नहीं झपकाएगा। तो वो बहुत एक इम्पैक्टफुल मेरा एक फिजिकल बात हो गई एज एन एक्टर। दूसरी बात ये थी कि मेरे दोनों तरफ बहुत लाउड कैरेक्टर थे, दुर्योधन और शकुनी। वो इतना ज़ोर से चिल्लाते थे कि मैंने सोचा अगर मैं भी चिल्लाऊँ तो फिर तो ये तो मार्केट बन जाएगी। तो मैंने पूरा का पूरा जो रोल है ना अंडर प्ले कर दिया जानबूझ के। तो अंडर प्ले करने से क्या हुआ कि वो खिल गया रोल, और लोगों को सिंपथी भी लगने लगी। तो वैसे इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये मैंने खुद की, विच आई कैन वेरी प्राउडली से कि ये मेरा कंट्रीब्यूशन है एज एन एक्टर। आपने बड़ी शिद्दत के साथ किरदार को निभाया और लोगों ने प्यार भी दिया आपके किरदार को। कहा जाता कि जब कर्ण के डेथ की सीन का प्रसारण हो गया और उसके बाद लोग काफ़ी मिस करने लगे कि कर्ण दिख नहीं रहा, या फिर ऐसा भी एक कहीं मैंने पढ़ा कि MP में जो है आपको बुलावा भी आया, एक गांव में आप गए भी, तो वो किस्सा किस क्या था कि जैसे कर्ण कैरेक्टर की मौत होती है जी, तो उस वक्त मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे अर्जुन सिंह जी, जी उनका डेस्परेट फोन आया चोपड़ा साहब को कि करण कहाँ है। वो बोले क्या बात क्या हो गई, कहने लगे नहीं ऐसा है कि बस्तर जिले में वहाँ आदिवासी रहते हैं तो वहाँ पे करण साहब को भेजना होगा। तो मुझे यहाँ से भोपाल भेजा गया, भोपाल से हेलीकॉप्टर से वहाँ भेजा गया। जब मैं वहाँ गया तो मैं क्या देखता हूँ कि कम से कम 5-7 हज़ार आदमी साष्टांग नमस्कार में लेटे हुए ज़मीन पर और सब ने बाल काट ली कि भाई करण मर गया। ओ मतलब मैं ऐसे हिल रहा था कि ये भी होता है हमारे देश में। और उन्होंने उस वक्त मुझे चांदी में तोला और ऐसे ऐसे बस यूं ही देखते जाए मुझको। तो मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, वो सीरियल में डेथ हुई है, वैसे देख लो मैं हाथ लगा था एम, फिर जाके वो शांत हुए। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हुई है ज़माने में, कई जगह पर मंदिर भी बनाए करण के। हाँ मंदिर बना है कहीं। अब ऐसा देखिए सर, जब चलती है चीज़ हाँ। तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, लेकिन वो दौर था, अब ये भी दौर है।